हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेकअप हैक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कभी कभी हमारे पास फाउंडेशन ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ इंस्टेंट फाउंडेशन कैसे हम घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी भी पैलेट ले लेंगे और कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको ले लेना है, तो बस थोड़ा सा हम इसमें मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो थोड़ा कम ही मॉइस्चराइज़र कर देंगे। और कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर जैसे या लूज पाउडर जो हम फेस पाउडर लगाते हैं ना, वो हमें ले लेना है। थोड़ा सा उसे स्केच कर लेना है इस तरह से ब्रश के पीछे से, बस थोड़ा ही सा कीजिएगा ये, उसे बहुत हल्के हल्के, क्योंकि ये तुरंत ही निकलने लगता है। तो बस थोड़ा सा हमें पाउडर इसमें है ना स्क्रैच करके, आप लूज़ पाउडर हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और बस इसको ना हम मिक्स कर लेंगे फिंगर से ही, अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमारे फिंगर में जो हीट होता है ना, उसे अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। तो देखिए, ये आपका फाउंडेशन बिल्कुल रेडी है, इंस्टेंट वाला बिल्कुल। ये बीबी जैस क्रीम, सीसी क्रीम जैसा है ना, उस तरह का आपका इसमें कवरेज आएगा। तो देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपका स्किन थोड़ा ऑयली है तो कम मॉइस्चराइज़र लेंगे, और थोड़ा ड्राई है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, इस तरह से हमें अप्लाई कर लेना है। और देखिए, इस पर फुल कवरेज या हाई कवरेज ब्राइडल वगैरह का कवरेज नहीं आता है, लेकिन अच्छा सा एक हल्का सा लाइट कवरेज, या आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं ना, या फिर हल्का फुल्का कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं, तो इस तरह से आप बीबी सीसी क्रीम की जगह आप इसे कर सकते हैं। और ये ग्लोइंग भी लगेगा, क्योंकि हमने इस पर मॉइस्चराइजर लगाया है। और हर सेट का फाउंडेशन हमारे पास नहीं रहता है, तो देखिए, एक डार्क हम ले लेंगे और एक जो है ना लाइट कलर का ले लेंगे। और ये आपके पास वो नहीं है तो इस तरह का दो पैलेट, मतलब कि छोटा छोटा ये डिब्बी में भी आता है, तो एक डार्क और एक हम लाइट कलर का ले लेंगे ना, तो उससे आप हर सेट का फाउंडेशन बना सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं मीडियम टोन का जो स्किन होता है ना, वेटिस स्किन, उसके लिए बना रही हूँ, जिसपे आप मीडियम बीच का जो होता है ना, हल्का सा फेयर कलर के, उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क मिला लिया और थोड़ा सा लाइट, तो ये बीच का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फिर इसे अच्छे से उंगली मिला लेंगे। इसी तरह आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आपको, तो आपके पास डार्क कलर है ये, फिर बिल्कुल हल्का सा लाइट चाहिए तो उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क मिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा लाइट मिलाएंगे, तो इस तरह का हर सेट का आपका बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ये मीडियम टोन का बना लिया है, जो कि ना कि ज़्यादा डार्क है और ना ही जो है ज़्यादा लाइट है। इस तरह से आप सारा सेट खरीदना आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर में ऐसा कई लोग रहते हैं तो उनको अलग अलग सेट्स का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस तरह से आप ना एक लाइट एक डार्क किसी भी तरह का मिला के, और कभी कभी हमें अपने कलर का भी नहीं मिलता रहता है फाउंडेशन, तो फिर इस तरह से आप दो को मिक्स मैच करके ना आप अपने किसी भी कलर का बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो ये मस्करा ख़त्म हो जाता है ना, तो इसको कभी भी आप इसके ब्रश को फेंका मत कीजिए, ये बहुत ही काम आता है। तो इसमें अपना वैसलीन लगा के बिल्कुल आप आईब्रो पे कर लगा लेंगे ना, चला लेंगे ये ब्रश को हल्का सा वैसलीन लगा के, तो आपका आईब्रो बिल्कुल सेट हो जाएगा, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग घंटों आपका ना ये सेटिंग जेल की तरह काम करेगा। इसी तरह आप मस्करा की तरह भी आप इसे वैसलीन लगा के आप आई लैशेज पे लगा सकते हैं, तो बिल्कुल मस्करा का लुक आएगा। कभी कभी मस्करा ख़त्म हो जाता है ना, तो आप इस तरह से ये खाली ब्रश पे आप थोड़ा सा वैसलीन लगा के इस तरह से लगाएंगे, तो बिल्कुल मस्करा की तरह ये लगेगा। लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ना, कभी लिपस्टिक लगा के उस पर है ना कोई भी पाउडर, फेस पाउडर या लूज पाउडर जो इस तरह का होता है ना, मेकअप सेट करने के लिए, बेस सेट करने के लिए हम इस तरह से लूज पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उसे आप इस तरह से लिपस्टिक पे लगा दें और उसके बाद हल्का सा इसे फिर झाड़ देंगे ना, तो ये आपका लिपस्टिक बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, और आप जितना पानी पिए खाएं पर कहीं भी आपका ये कलर नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरह से, इसी के साथ डार्क सेल का रिमूव करने के लिए हम ना ये ऑरेंज कलर कैरेक्टर लगाते हैं, इजीली मिल जाता है। तो ये देखिए, मैंने डार्क सर्कल की तरह एक ब्लैक बना लिया, जो कि सदीद किस्म का डार्क सर्कल है, उस पर भी ये अच्छे से कवर कर देगा। तो इसके करने का तरीका बस यही होता है कि आप इस पर ऑरेंज कलर कलेक्टर जो आप खरीदते हैं वो लगा लें, और डायरेक्ट इस पर फाउंडेशन नहीं लगाना है, क्योंकि फिर जो है ना हमारा फाउंडेशन यानी कि बेस भी ऑरेंज हो जाएगा। तो उसको उस पर सबसे उसके ऊपर कंसीलर ज़रूर लगाना है, जो हमने ऑरेंज कलर कलेक्टर लगाया उस पर कंसीलर लगाया, तो देखिए आपका ये जो है ना पूरा अच्छे से हाइड हो गया। अब हम इस पर बेस लगाते हैं यानी कि फाउंडेशन, तो इसको कलर करेक्टिंग करने का ये बहुत इजी सा मेथड है। तो कभी भी आप ऑरेंज कलर कलेक्टर लगा के ना उस पर कंसीलर जरूर, या फिर इसी कलर का कॉम्पैक्ट लगा के उसके बाद हम इस पर फाउंडेशन लगाते हैं डार्क सर्कल के लिए, या फिर हमारे माउथ के राउंड भी है ना अनइवन स्किन टोन होता है उसके लिए लगा सकते हैं। तो देखिए, हर घर में है ये कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर हो ये ज़रूरी नहीं होता है, तो हम उसके जगह पे है ना किसी भी कलर का लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने लाल लिया है क्योंकि लाल मैरून और रेड हर के पास घर घर में रहता है। तो बस इसी तरह देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लिपस्टिक से भी आसानी से डार्क सर्कल या अन इवन स्किन को जो है ना हाइड कर सकते हैं। तो देखिए आप इस पर इस तरह से कोई सी भी कलर का लिपस्टिक आप लगा लें और इसके ऊपर आप कंसीलर लगा लें। तो देखिए कंसीलर लगा लें और ये देखिए पूरा अच्छे से ये कवरेज हो गया, कवर हो गया, कहीं से भी आपका काला नहीं दिख रहा, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक किया है। हालांकि इतना गहरा काला डार्क सर्कल नहीं होता है, तो हल्का ही होता है, तो वो और अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप बेस फाउंडेशन लगाते हैं तो बिल्कुल भी कलर नहीं दिखेगा। और डायरेक्ट अगर हम डार्क सर्कल को हाइड नहीं करते हैं और डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारा मेकअप वहाँ से है ना काला लगने लगता है, यानी कि राइज हो जाता है, इसलिए हमेशा कवर करना चाहिए। इसी तरह इस तरह से जो होता है लिपस्टिक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये हम जो मेकअप से पहले लगाते हैं ना प्राइमर, बेस लगाने से पहले प्राइमर लगाते हैं ना मॉइस्चराइज़र के बाद, वो हल्का सा बस लगाना है और इस तरह से मर्ज कर दीजिएगा। ये सेकेंडों में जो है ना ये लिपस्टिक आपका जो है रिमूव हो जाता है। इसके बाद जो है ना हमें किसी भी टिश्यू से या कॉटन से इसे अच्छे से पोंछ लेना होता है। तो देखिए ब्लैक काजल तो हम सभी के पास रहता है, लेकिन कभी कभी ड्रेस के कलर का काजल या फिर आईलाइनर लगाने का, स्पेशली वाइट कलर के आईलाइनर लगाने का दिल करता है। तो इस तरह से भी हम, अगर आपके पास आई साइडो पैलेट है ना, इतना बड़ा नहीं भी हो तो बेसिक जो चार पांच कलर रहता है इसमें ग्रीन ब्लू मैरून पिंक ये रहता ही रहता है, छोटा वाला भी पैलेट, तो वो ले लेना है। और कोई भी ब्रश ले लीजिएगा, तो मैंने ये थोड़ा सा ब्रश लिया है एंगल ब्रश, तो इससे अच्छे से लगता है। और हमें ले लेना है मेकअप फिक्सर, तो देखिए मेकअप फिक्सर ही हमें लेना है तभी ये फिक्स करेगा अच्छे से। पानी इस पर नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो जो स्मज हो जाएगा हटने लगेगा। तो इस ब्रश पे बस हल्का सा इस पर मेकअप फिक्सर को इस तरह से हम कर लगा लेंगे, एक ही ड्रॉप लगाना है, ये अच्छे से गीला हो जाएगा। तो इसके जगह आपको पानी या रोज़ वाटर का यूज़ नहीं करना है। तो और इसी के साथ है ना कोई भी कलर का, यहाँ मैं बिल्कुल लाइट कलर का ना फिरोजी कलर का मैं लगा रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से आप जो है किसी भी तरह का आईलाइनर आप ये आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट सा कलर था, तो लाइट आया है। और इसी तरह आप जो है ना इसको दो बार तीन बार करके अच्छे से लगा लेंगे और ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं, नहीं हटेगा, क्योंकि हमने इसे फिक्स कर दिया है मेकअप फिक्सर से। इसी तरह वाइट काजल की तरह भी, और देखिए मैं इसको स्मज कर रही हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं हटता है। इसी तरह वाइट काजल भी नीचे आँखों पे इसी तरह से लगा सकते हैं। बेस लगाने से पहले ना, फाउंडेशन वगैरह लगाने से पहले प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे ओपन पोर जो है बंद हो जाते हैं और बहुत ही स्मूथ सा बेस बनता है। तो अगर प्राइमर अगर आपके पास नहीं होना, तो उसके जगह पे आप जो है ना एलोवेरा जेल कोई भी आप ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं प्राइमर के जगह पर, ये भी बिल्कुल प्राइमर का काम करता है। बस CTM यानी कि क्लिनिक टोनिंग मॉइस्चराइज़र के बाद आप प्राइमर के जगह पर एलोवेरा जेल लगा के उसके बाद बेस लगा सकते हैं। तो देखिए हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है लगाने पे, लेकिन ये थोड़ा देर बाद ना हटने लगता है फेस से। तो देखिए ब्राइडल वगैरह को लॉन्ग लास्टिंग कैसे लगाते हैं इसके मैं है अगर आपके साथ शेयर करें। तो इसी तरह कोई जिस ब्रश से भी आप हाइलाइटर लगाते हैं ना, उस पर बस वही मेकअप फिक्सर हमें थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है और उसके बाद जो है ना आप हाइलाइटर लें और इसे अपने फेस वगैरह कहीं पे भी, नोज़ पे, फेस पे, आई पे लगाते हैं ना, तो लगाइए। तो देखिए यहाँ मैंने इस पर मेकअप फिक्सर थोड़ा सा लगा लिया था और यहाँ मैंने लगाया, मैं आपको हटा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। कितना देर ये आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके फेस से ये जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं इस फिंगर से मैंने लगा के दिखाया आपको। आजकल ना ब्लश में जो है क्रीमी ब्लश का बहुत यूज़ होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ज़्यादा देर चलता भी है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास क्रीम ब्लश ही यूज़ करें, आप जो है ना जो लिपस्टिक भी इसके जगह पर यूज़ कर सकते हैं, हल्का पिंक या लाइट मैरून कलर का आप लिपस्टिक को ले, इस तरह से लगा लें और पूरे जहाँ पे पूरा चीक जहाँ पे हमें लगता है ना, जहाँ बस एक डॉट डार्क लगाएं और उसी को अच्छे से फैला लेंगे ना, तो ये बिल्कुल लाइट कलर का हो जाएगा और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ब्लशर हम लगाते हैं तो ये दो तीन घंटा के बाद ना वो हल्का होने लगता है, लेकिन क्रीमी ब्लशर आपके पास रहेगा फेस पे ज़्यादा देर तक। आप आराम से क्रीमी ब्लशर की जगह लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से स्मज करके। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।